सारा जगत जिनके एक इशारे से बन जाता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व शेष वसुधाज विभूति भिन्न तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इनके एक इशारे से अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है। पता नहीं कितनी सृष्टि हो जाती है और कितने प्रलय हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ पे एक भी घर नहीं बना पा रहे हैं। जब उन्होंने देखा, श्री राम से पूछा, तो श्री राम ने वहां पर मना कर दिया। जब उन्होंने देखा मना कर दिया, तो कृष्ण जाकर के सबके घर पैर से मार मार के तोड़ दिए। जब सबके घर तोड़ दिए तो सब लोग वहां पर कृष्ण से नाराज हो गए। वो कृष्ण वहां पे इतने बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए कि उठा करके मिट्टी खाना चालू कर दिया। डले के डले उठा करके बचे लक्ष्मण रहे ना, अभी जब सबके लोग बोल देंगे हम देखेंगे तुम लोग जो जो सुन करके कोई एक कथा बोल पाते कि नहीं, ठीक है, हम देखेंगे अच्छे तरह सुनो, ठीक है, जो बोल रहे हैं हम देखेंगे तुम लोग कितने याद करते, कोशिश करना तो सीख बोलने के लिए, ऐसे बोलते बोलते ना एक दिन बड़ा बता दीजिए आप, अगर कोशिश नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, ठीक है, अच्छे तरह से मजा आएगा। तो डले के डले उठा करके कृष्ण वहां पे खाने लगे। सखाओं ने बोला कन्हैया इतनी मिट्टी मत खा, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन कृष्ण वह बात नहीं सुन रहे। सखाओं ने जाके दाऊ भैया को बोला कि दाऊ भैया रुकेंगे, बोला दाऊ भैया देखो कृष्ण कैसे मिट्टी खा रहा है, इसका पेट खराब हो जाएगा। दाऊ भैया ने जाकर के समझाया कृष्णा इतनी मिट्टी मत खाओ, बीमार हो जाओगे, लेकिन वह दाऊ जी की बात भी कृष्ण ने नहीं मानी, उठा के डले खा रहे जैसे कोई मिठाई हो, इस तरीके से खाते जा रहे। और जब दाऊ भैया ने देखा कि ये तो रुक ही नहीं रहा है, तो दाऊ भैया ने जाकर मैया को बता दिया, यशोदा मैया को, बोला मैया देखो कृष्ण क्या कर रहा है, मिट्टी खाए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। इसको सुनकर के मैया को तो बड़ा क्रोध आया, बोला दारिका पहले तो मक्खन खाया करता था, पहले ये सब चुराया करता था, मिट्टी भी खाने लग गया, तो वहां यशोदा मैया भाग करके आई। और यशोदा मैया ने क्या करा, जो कृष्ण जो मिट्टी से खा रहे थे तो पकड़ कर हाथ पकड़ लिया, यशोदा मैया ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब यह प्रश्न उठता है कि यशोदा मैया ने कृष्ण का हाथ क्यों पकड़ा, हाथ क्यों पकड़ा, तो यह दो कारण बताए यशोदा मैया ने हाथ क्यों पकड़ा। अभी जब कृष्ण है, कृष्ण के अंदर एक गुण क्या, भक्त वत्सलता। जब जब भी भक्तों के ऊपर कुछ मुसीबत आती है तो कौन रक्षा करते हैं, भगवान। द्रौपदी का उदाहरण हमने देखा, गज प्रहलाद सुदामा है, सदना कसाई, कितने सारे उदाहरण है। जब जब भी भक्तों पे पीड़ पड़ती है तो कौन सबसे आगे कौन उनके सहायक होता है, भगवान आकर के सहायक होते हैं। सबसे ज्यादा भगवान को जल्दी दो बार नहीं अपने भक्तों को बचाने के लिए, पहले नंबर पे द्रौपदी, जब द्रौपदी जी का चिरन हुआ जैसे उन्होंने पुकारा भगवान जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां उनको बचाने भागे। और एक बार गज जो हाथी था है? गजेंद्र, जब वो गजेंद्र फंस गया है? उस जो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो भगवान को जैसे उसने पुकारा, जब पूरा पानी नाक से ऊपर तक जाने लगा, जब उसने जैसे ही भगवान को पुकारा कमल पुष्प उठा करके भगवान को जैसे ही स्मरण किया भगवान भागे। बताते हैं जो गरुड़ के ऊपर जो बिछाते ना, वो भी भगवान ने नहीं बिछाया, डायरेक्ट गरुड़ के ऊपर बैठ करके और भाग करके पहले चक्र को फेंक दिया कि चक्र जाओ और तुम जाके मगरमच्छ को काट दो, फिर भगवान वहां पर आ गए। इतना जल्दी भगवान को हुआ है। तो जगत में तो देखने में आता है कि सारे के सारे भक्तों की रक्षा कौन करते हैं, भगवान करते हैं, लेकिन ब्रज में उल्टा है, ब्रज में उल्टा है। ब्रज में अंदर क्या है, जो ब्रजवासी है वो कृष्ण की रक्षा करते हैं। तो मैया ने हाथ क्यों पकड़ लिया, क्योंकि ये मिट्टी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए वो एक कीर्तन है ना, कौन पावे जाको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, देखो मैं सुनाओ तुम्हें बाचन मोला, देखो मैं सुनाओ तुम्हें बाचन मोला, पर ब्रह्म कृष्ण रहो गोकुल में खेला, नंद जशोदा के द्वार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया कैसे बहती ब्रज में, उल्टी, सब उल्टा। जो भक्त है वो तो भगवान हो गए, भगवान कौन हो गए, भक्त हो गए। तो इसीलिए यशोदा मैया ने क्या करा, कृष्ण का हाथ वहां पे पकड़ लिया। हाथ पकड़ के बोल रहे क्यों रे चोर चोटे, वो तो जा जा करके खाया करता था मक्खन, अब तूने मिट्टी भी खाना चालू कर दी। बोला मुंह दिखा। अब दूसरा कारण मैया बोले मुंह खोल। कृष्ण ने बोला जैसे मां ने पूछा तूने मिट्टी खाई, तो कृष्ण ने क्या करा, फट से मुंह मिला दिया कि मैंने मिट्टी, तुरंत झूठ बोल दिया। सखाओं ने तो पहले ही बता दिया था मैया को कि इसमें मिट्टी
खाई है। और बलराम जी ने भी बता दिया, तो वहां पे जो है माता जी कह रही है कृष्ण कृष्ण से कि दाऊ भैया को कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया बोले कि बोलो कृष्ण जी, बोलो मुंह, कृष्ण कह रहे मां मुंह खोल करके देख लो। उनको क्या, कृष्ण को क्या लगा कि मैया मुंह खोल करके नहीं देखेगी। तो जैसे हम लोग भी चोरी करते हैं, तो बोले मैंने चोरी बैग चेक कर लो, बैग चेक कर लो, हमने चोरी नहीं करी। क्यों? ताकि हम ऐसा बोलेंगे सामने वाले को भरोसा हो जाएगा कि इसमें नहीं चुरा होगा। वैसे कृष्ण बोल रहे मुंह खोल के देख लो, तो मैया बोले खोल। अब कृष्ण घबरा गए, मैया ने तो बोल दिया मुंह खोलो, तो कभी इधर मुंह करते हैं, कभी इधर मुंह कर लेते हैं, इधर उधर मुंह करते हैं, और इधर मुंह करके धीरे जल्दी जल्दी मुंह सुलांग लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी वो जो मिट्टी फंसा रखी मुंह में डाला डाला फुसा लगा था पूरा, उसको जल्दी जल्दी खा के अंदर ले ले। इसलिए मैया क्या इसका कृष्ण का हाथ पकड़ लिया ताकि जल्दी जल्दी ना खा ले। इसलिए कि दूसरा कारण था कि मैया ने यशोदा मैया ने कृष्ण का हाथ क्यों पकड़ा। अब दूसरा कारण कि कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, पहला कारण बता दिया क्यों खाई, सखाओं से नाराज होकर कृष्ण ने फटाफट फटाफट मिट्टी खा ली। अब दूसरा कारण, कारण सुनो, अभी मैं तुमको पूछूंगा क्या प्रभु जी बोल रहे, ठीक है, इनके बाद तुम सुनाना क्या तुमको याद है। अच्छा अच्छा, दूसरा कारण, दूसरा कारण बताया कि पृथ्वी का एक नाम रसा है, रसा माने सारे रस जिसके अंदर, इसे बोलते हैं ना रसातल। इसे बताया पृथ्वी का नाम क्या है, रसा। सभी प्रकार के रस पृथ्वी के अंदर है, जैसे जैसे समुद्र क्या है, रत्नाकर, समस्त प्रकार के रत्न समुद्र के अंदर में है, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर क्या है, समस्त प्रकार के रस है। इसीलिए मिट्टी में तो रस नहीं आता, लेकिन देखो मिट्टी के अंदर पेड़, जैसे आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़, कितने सुंदर सुंदर उसमें रस आता है। सारा रस कहां से आया, मिट्टी से आया। अभी कृष्ण यहाँ पे सोच रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर सारे रस हैं और मैं कृष्ण हूँ, आगे चल के मैं क्या करूंगा, थोड़ा बड़ा होने के बाद में मैं रासलीला करूंगा। रासलीला माने सारे रसों का समूह, जब सभी प्रकार के रस जहां आकर के एकत्रित हो जाए वो क्या होती, भगवान की रासलीला। सभी प्रकार के रस है, नित्य कीर्तन, सो जितना भी दुनिया में रस है उस रास के अंदर में होता है, रसानाम समूह रास। तो वहां भगवान जो है बोल रहे हैं मैं रास करूंगा, रास में तो मैं सारे रसों का स्वादन करूंगा ही करूंगा, तो क्यों ना अभी तो रास में टाइम है, तो क्यों ना अभी मिट्टी के अंदर से ही रस को थोड़ा ले ले। इसलिए रस का स्वादन करने के लिए कृष्ण ने वहां पर मिट्टी को खा लिया। ब्रह्मांड घाट पे सारी लीला हो रही है, इसलिए हम ब्रह्मांड घाट पे जाते हैं तो प्रसाद में क्या थोड़ी थोड़ी मिट्टी के ऐसे ऐसे डले बना करके दे देते हैं। इसी ये हो गया दूसरा कारण कि कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई। अब तीसरा कारण, कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई उसका तीसरा कारण, थोड़े दिन पहले पूतना आई थी, जब कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना आई थी, पूतना ने आकर के कृष्ण को जहर पिलाने की कोशिश करी है। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि वो मौसी तो आई थी और पिला करके दूध भी चली गई है, जहर तो मुंह में आ ही गया है, क्यों ना मिट्टी से इस मुंह को साफ कर लिया जाए। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, हर चीज को किससे साफ करते थे, राख से और मिट्टी से साफ किया करते, बर्तन सब कुछ उसे साफ किया करते। इसलिए कृष्ण क्या कर रहे, ब्रश धूली से अपने मुख को साफ कर रहे। इसलिए कृष्ण ने इसके बाद में मिट्टी खा ली। इसके बाद में और कुछ कारण है, कौन बोल सकता है, मान याद है इसको बात करते हैं तो कतर रहे को करियो। मैं तो बस वही कारण और खड़ा बोल रहे मनासी तो बहन बहन होता है। तो हमने प्रभु जी से अभी सवाल किया कि किस किस प्रकार से कृष्ण जब मिट्टी खाते हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि उनका पीछे जो कारण समूह, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पूतना, जब 6 दिन में कृष्ण पूतना का वध किए, अब जहर तो खा लिए, अब बोल रहे हैं ये साफ कैसे करेंगे, उस समय तो कुछ ऐसा जैसे आजकल का है ना सैनिटाइजर हैंड वॉश इत्यादि इत्यादि नहीं था, तो मिट्टी से ही हर चीज को साफ किया करते थे, इसलिए तो इसीलिए ठाकुर जी ने मुंह को थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसी बात से ठाकुर जी ने मिट्टी खा लिया। दूसरा बात बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने मिट्टी क्यों खाया, कि बिना मुहत पाद रजो भी सेकम,
जो भरत महाराज भरत जी के जो उपाख्यान में आता है, जड़ भरत महाराज जो रघुवन को बोलते हैं किस प्रकार के बिना महत्वा से बिना साधु के जो धूल से ही भक्ति मतलब कृपा प्राप्त नहीं हुआ। रघुवन ने तब तपस्या कि कितने भी चाहे तपस्या कर लो, बड़े बड़े साधन कर लो और न जाति, तो यहाँ पे बोलते हैं न जाति मतलब बहुत बड़े बड़े जो जतियों के द्वारा किए गए अनुष्ठान के अनुसंधान कर लो और वहां पे उनके द्वारा बड़े बड़े आयोजन मतलब भक्ति के बड़े बड़े अंग को कितने भी चाहे कर लो। फिर न चेजे निर्वापन गृह पर फिर बोलने हैं कि समस्त आश्रम को यथा विधि पूर्वक उसको पालन कर लो, जो चार आश्रम में गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी। फिर बोलने हैं न छंदसा नैव जलाग्नि सूच्यो, जितने सारे वेदांत के जितने भी छंद है सारे के सारे छंद को बहुत अच्छे से उसको नियम को पालन करो, फिर भी भक्ति प्राप्त नहीं होगा। कैसे प्राप्त होगा? बिना महत्वाद रजोभिषेकम, बिना भक्त के जो चरण धूलि से, बिना भक्त के चरण धूलि को अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो बिना भक्त की कृपा से भक्ति प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सबसे जो श्रेष्ठ भक्ति है, सबसे जो श्रेष्ठ भक्त उनको माना गया है कि ब्रजवासीगण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रजवासीगण जो यहाँ पे ये अभी है कृष्णा की मिट्टी खा रहे हैं, वहां पे ब्रज के जो गोपियों के चरण रेणु है और उन चरण रेणु का क्या महिमा है, जिसलिए उद्धव जी भी स्तुति करते हैं राधा रानी के एक चरण के धूल बनने के लिए, वो धूल की कृपा प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, शिव जी देवा देवी सब स्तुति करते हैं, उस ब्रज धूलि का इतना महिमा है, इतना महिमा है। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि इस धूल को थोड़ा मैं आस्वादन कर लूं, इस धूल को मैं थोड़ा आस्वादन कर लूं। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि किस प्रकार में कृष्ण ये धूल को क्यों चाहते हैं, बोल रहे हैं कि कृष्ण को जो राधा रानी सेवा करते हैं, जिस भाव में कृष्ण को राधा रानी सेवा करते हैं, बस कृष्ण तो उसको आस्वादन कर ले, लेकिन राधा रानी को कृष्ण तो आनंदित होते हैं, लेकिन राधा रानी को उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है। अब उस आनंद को जो करोड़ों गुना ज्यादा कृष्ण से आनंद राधा रानी लेते हैं, उस आनंद को कृष्ण को पता नहीं है, तो इसीलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहेगा ना, यहाँ पे वो कृष्ण उस आनंद को विशेष रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कलयुग में वो सचिनंदन गौर हरि के रूप में आते हैं, राधा रानी के अंगकांत को अंगकांति और राधा रानी के जो वर्ण को भाव को लेके आस्वादन करने के लिए आते हैं। फिर गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार जो भगवान और भक्त है, जो भगवान और भक्त में भगवान भक्त कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं, एकमात्र उपाय है भक्ति के द्वारा, और जो भक्ति है वो भक्ति का भक्ति कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि भक्त पद धुलिया भक्त पद जल भक्त भक्त साधन है बल कि तीन चीज से भक्ति प्राप्त होगा, किसे ना भक्त पद धुलि कोई भक्त का जो चरण धूलि चरण रेणु से और भक्त पद जल की भक्त का कोई चरणामृत से और भक्त भुक्त अवशेष भक्त के उच्चिष्ट प्रसाद से तीन चीज से भक्ति प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे कृष्ण क्या करे, अभी मुझे और राधा रानी को भाव को मुझे जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, तो इसलिए जो ब्रज धूलि है वो भक्त का चरण धूलि है, इसीलिए ठाकुर जी ने वहां पे मिट्टी भक्षण किया। अब दूसरे बात आगे बता रहे हैं, एक और क्यों कृष्ण मिट्टी खाए कि कृष्ण मिट्टी किस चीज से खाए कि दांत से, दांत का दूसरा नाम क्या है कि द्विज है, द्विज अर्थात गुरुदेव बता रहे कि जो दो बार जन्म लेते हैं, जैसे बचपन में दांत सब निकल जाता है फिर से आ जाते हैं दो बार फिर से उठता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठाकुर जी का नियम क्या है कि ठाकुर जी बोलते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि ठाकुर जी ब्राह्मण को इतने जगत हिताय क्या नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय गाय और ब्राह्मण के हित के लिए ठाकुर जी ने पूरा प्रतिज्ञा कर रखे है। अब यहाँ पे ठाकुर जी सारे के सारे जो चीज है सारे के सारे यज्ञ का और सारे के सारे चीज को ठाकुर जी ब्राह्मण को प्रदान करते हैं, इतना इम्पोर्टेंस जो दे रखे, इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लो वो जो ब्रज धूलि है उस ब्रज धूलि को भी ठाकुर जी अपने दांत द्विज मतलब एक अर्थ में दांत और दूसरे अर्थ में ब्राह्मण है, तो ठाकुर जी वो चरण धूलि को जो ब्रज रेणु को ब्राह्मण को प्रदान कर रहे हैं, ये एक भाव है। दूसरे भाव में बता रहे हैं कि बलदेव प्रभु सबसे पहले जाके बोल देते हैं कि मया मया, और आज कृष्ण ने मिट्टी खा जाए। अब यहाँ पे बलदेव प्रभु को क्यों पहले बलदेव प्रभु क्यों जाके बोलते हैं
कि यहाँ पे गुरुदेव ने बताया था कि बलदेव प्रभु कौन है, ना ये संधि शक्ति का अधिष्ठात्र देवता है, और बलदेव प्रभु अपने अनंत जो खना में अनंत शेष में अनंत अपने सर पे अनंत अनंत ब्रह्मांड को सूर्य जैसे होते ना राय के भांति सरसों के भांति धारण कर रखे हैं बलदेव प्रभु। फिर बलदेव प्रभु ये धरती का भी जो ठाकुर जी ने भी मिट्टी खाया उसका अधिष्ठात्र देवता कौन है, बलदेव प्रभु है। अब यहाँ पे सोच रहे हैं बलदेव प्रभु की तुमने पहले बावन अवतार में दो पग में एक पग में तो पूरा पूरा सत्य लोक से लेके पूरा ब्रह्मा तक जो पूरा का पूरा स्वर्ग से ब्रह्मा तक पूरा एक पग में नाप लिया और दूसरे पाताल तक नाप लिया, पूरा का पूरा पृथ्वी को तुमने ग्रहण कर लिया, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। और दूसरे अवतार में जब तुम वराह देवता के अवतार में तुमने फिर अपने दांत से ही ये पृथ्वी को ले आया, लेकिन ये जो पृथ्वी है पृथ्वी कौन, साक्षात मैं ही हूँ। अब तुम अब जब द्वापर युग आया तब बिना द्वापर युग में तुम हर चीज में मेरा मैं तुमको सहायता करता हूँ, हर लीला अवतार में मैं तुमको सहायता करने के लिए कुछ ना कुछ रूप में आता हूँ। अब तुम हर चीज में मुझे माखन लड्डू मिश्री सब देते हो और सब मुझे देते ही देके ही खाते हो और अकेले तुम छुप छुप के मिट्टी खाते मुझे बिना दिए। तो यहाँ पे बलदेव प्रभु भी जाते हैं और यशोदा माँ को बोलते हैं कि भैया पता है आज क्या का हुए हो, तो मैं बोले का हुए हो, बोला आज कृष्ण ने मिट्टी खाए हो, कृष्ण आज ने क्या किया कि मिट्टी खा लिया। तो यशोदा माता बोलते हैं कि सखा लोग की बात तो मैं झूठ मान सकू लेकिन दाऊ कभी झूठ नहीं बोलते, बलदेव प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए जो यशोमती माँ थे उन्होंने छड़ी पकड़ के जोर से भागे कृष्ण को वहां पे छड़ी दिखाते हैं और बोलते हैं क्यों मिट्टी खाए। फिर आगे बोलते हैं कि गुरुदेव और कारण बताए थे कि पृथ्वी का नाम है क्षमा, पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। क्षमा यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि आगे चल के भक्तों जब ठाकुर जी बड़े हो जाएंगे भक्त लोग का प्रत्येक एक एक क्योंकि जो भक्त लोग है बद्ध जीव का एक एक अपराध को ठाकुर जी को क्षमा करना पड़ेगा, भक्तों का एक एक अपराध को ठाकुर जी को क्षमा करना पड़ेगा। इसी भाव से ही ठाकुर जी अभी से ही क्या के न मिट्टी खाए। और एक विजन बताया थे कि गीता में ठाकुर जी बोलते हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तान्तदेव भजाम्यहं, कि हे अर्जुन जो जिस प्रकार मुझे भजन करता है मैं उसी प्रकार को उसे भजन करता हूँ, जो जिस प्रकार से मुझे उपासना करते हैं मैं उसी प्रकार से ही उतना मात्रा में उतना परिमाण में ही उसका भजन करता हूँ। अब ठाकुर जी ने तो ये पूरा गीता में बोल दिया और ठाकुर जी कभी असत्य नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे ठाकुर जी देखा जाता है कि ब्रज के जो गोपियां है उनके भगवान ठाकुर जी उनके प्रेम के ऋणी है, जिस प्रकार से ब्रज गोपियां जिस प्रकार से राधा रानी कृष्ण को सेवा करते हैं भजन करते हैं उसी मात्रा में ठाकुर जी उनको भजन नहीं कर पाते। अब बोलते हैं यहाँ तो गड़बड़ी हो गया, मैंने तो झूठ बोल दिया, इसलिए झूठ बोलने से मिट्टी खाना पड़ेगा, इसलिए ये भी एक कारण है कि झूठ बोलने से मिट्टी खाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी का प्रतिज्ञा रक्षा नहीं हुआ इसीलिए भी ठाकुर जी ने मिट्टी खाई, मिट्टी खा के मुंह झूठा मुंह गंदा हो गया, मुंह गंदा हो गया उसको साफ किया हो गया। और आज बहुत टाइम हो गया, आज भी कथा नहीं सुनेंगे कल से सुनेंगे। आप लोग तो जाने में तो कुछ माताएं हैं जो बहुत दूर से आती हैं, है ना, उनको एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर से आती हैं, कहते हम लोग जाते जाते हमारे बहुत समय हो जाता है, पर अभी कोहरा पड़ रहा है, ठीक है घर में 5 मिनट सुना देता हूँ, ठीक 5 मिनट ही सुना दूंगा, फिर कल कोशिश करेंगे आरती है ना और थोड़ी आगे कर देंगे जो ठंडा समय है ना, और 10-15 मिनट आरती आगे कर दो, फिर ठीक 7 बजे हम लोग को छोड़ देंगे, हम लोग घर में भी है कोई दिक्कत नहीं होगा, 7 बजे हम लोग आसानी से जा सकते, केवल हम 5 मिनट कथा सुना देते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने श्रवण किया है कृष्ण उन्होंने कैसे अपना विराट रूप दिखाया, अपना छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उन्होंने दिखा दिया, जब देख लिया भैया तो डर गई, बोले मैं क्या अलाय बलाय क्या देख रहे, क्या मेरे कोई स्वप्न न सचमुच से कोई चीज मैं देख रहा हूँ, कैसे संभव है कृष्ण का इतना छोटी से मुंह में कितने तारा कितने ग्रह कितने चंद्र सूर्य ब्रह्मा विष्णु नदी और मैया खुद को खुद भी कृष्ण का मुख के अंदर में खुद को खुद भी देख रही थी, इतने में मैया तो डर गई, क्या देख रही, क्या मेरे कोई भ्रमित हो गया, ना कोई दैवी कोई माया से मैंने मोहित होगी, क्या मैं देख रही हूँ,
इतने मैया जो उसका डर के मारे ना उन्होंने अपना आंख को बंद कर दी। जब उन्होंने आंख को बंद कर दी मैं हम लोग ने पहले श्रवण किया था, कृष्णा डर गए क्योंकि मैया को ऐसे महसूस हुआ हो ना हो ये लाला मेरा तो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान का मुखारविंद में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड किसको मुंह में भगवान के मुखारविंद में होता है, क्या मेरे लाला तो भगवान नहीं। जब कृष्ण को माँ के अंदर में ऐसी भावना आने लग गई, इतने में मैया खड़े सोच रही है ये मेरे क्या चीज है, क्या सचमुच से मेरे लाला भगवान, क्या सचमुच से है मेरे लाला भगवान। जब ऐसे सोचने लग गई फिर मैया सोच रही है ये भगवान ऐसे हो सकता है, मैंने सुना है गर्गाचार्य जो नामकरण कर रहा था उसने ये बताया नारायण सम गुणैः, तुम्हारी जो बेटा है ना नारायण का कुछ कुछ गुण तुम्हारे बेटे के अंदर ना प्रकाश होगा, ऐसे नहीं सचमुच से ये नारायण का कुछ गुण तो मेरे लाला के अंदर नहीं आ गया है, ये क्या चीज मैं देख रहे हैं। इतने में मैया यशोदा जब डर गई अत्यंत भीत हो गई मैया यशोदा, अभी फिर मैया ये सोच रही है क्या सोच रही है मैया, हे भगवान मैंने जो कृष्ण को पहले अपना लाला बोला ये मेरे लाला है, और मैंने क्या सोचा मैं कौन हूँ, बोले माँ यशोदा मैं हूँ और नंद बाबा का मैं पत्नी हूँ, पूरा ब्रज का मैं मालिक यानी हूँ, ये जो मैंने पहले सोचती थी शायद मैंने गलती किया है, है? मैंने गलती किया, सचमुच से लगता है ये जो कृष्ण है ना है ये कृष्ण शायद भगवान है। जब मैया यशोदा ने मन में तरह तरह का शंका होने लग गई, जब शंका होने लग गई हे भगवान फिर वो माफी मांगती है, हे ठाकुर जी मेरा अपराध को माफ कर देना, लगता है मैंने जो कृष्ण को अपना बेटा बोल दिया है और ये दुनिया का मालिक मैं हूँ, नंद बाबा का मैं रानी हूँ, ब्रज मंडल का मैं रानी हूँ, ये जो बोल दिया मुझे माफ कर दो ठाकुर जी। जब उन्होंने कृष्ण को भगवान मानने लग गई ना, अभी कृष्ण भी डर गए, बोले कृष्ण किस चीज के डर गए, कृष्ण ये डर गए अगर मैया को अंदर में ये भाव आ जाएगा मैं भगवान हूँ, लेकिन मैया जो मेरे को लालन पालन करती है, मिश्री खिलाती है, मक्खन खिलाती है, मेरे को गोद में सुलाती है, मेरे को इतने जो लाड़ रहती है मैया यशोदा, फिर तो ये मैया यशोदा भी काम करेगी नहीं, क्योंकि जो ज्ञान होगा मैं भगवान हूँ फिर ये काम करेगी नहीं मेरी मैया यशोदा, अगर ये मैया यशोदा नहीं करेगी तो फिर मेरे बात्सल्य रस कहाँ से मिलेगा। कृष्ण भी इसी विषय पर डर गए, जब डर गए अभी यहाँ प्रश्न होता है फिर यहाँ तो मैया को अंदर में क्या आ गया, मैया को अंदर में ऐश्वर्य भावना आ गया, मैया को अंदर में मैया को अंदर में ऐश्वर्य भावना आ गया, फिर यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं बोले नहीं, एक उदाहरण दिया आप लोग देखिएगा, जब कोई एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है उसको जब जलाने के लिए जो लोग ले जाते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई वह झूठा है, ऐसे बोलते बोलते ले जाते हैं ना उनको, ले जाते हैं, ले करके जब उसको चिता के ऊपर सुला देते हैं, जब उसको आग लगा देते हैं और जो वहां पर जो जलना लगता है पर जो सर नहीं फोड़ता है, फिर डंडे मार मार कर सर को फोड़ते और जलाते हैं, जब जलाते हैं आप देखना जो व्यक्ति उसको जलाने के लिए ले जाते हैं उनके हृदय में थोड़ी समय के लिए संसार से भेजा गया जाता है, सचमुच से संसार में कुछ नहीं छूटा है, कहते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गते है, सबके बात छूटा, सचमुच संसार में कोई नहीं चले, उसका देखो कितने धन दौलत संपत्ति क्या था उसकी, लेकिन कुछ लेकर गया क्या, देखते देखते उसको जला करके हमने जला करके उसको आ गए, कुछ तो लेकर नहीं गया, सचमुच संसार देखा है, वो सोचता है आज से ना और संसार में हम आया ममता नहीं करेंगे, सब छूटा है आज से, तो माला लेकर के ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, आज से ठाकुर का नाम जप करूंगा और ये घर गृहस्थ सब झूठा मिथ्या माया है। लेकिन जब घर में वापस आते ना नाती पोती आकर के पापा पापा बोलकर गोद में चढ़ जाते हैं, बाल को नचने लग जाते हैं, पकड़ में हाथ घुसा करके मेरे लिए क्या लाए हो है, उनको पास में जाओ मेरे पत्नी जो मीठी मीठी बोली बच्चे बोली, फिर धीरे धीरे सब खत्म, वो तो बोल रहा था आकर के भक्ति करेंगे खो हरि नाम करके भजन करेंगे, लेकिन इनका प्यार कौन सा पा करके साहब धीरे धीरे बस यही भगवान है यही बाल गोपाल हमारा लिए सब भूल जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर कहते उसी तरह मैया यशोदा के अंदर में
जो थोड़ी समय के लिए ये ऐश्वर्य भावना आ गया, क्या कृष्ण सचमुच से क्या भगवान है? लेकिन जैसे श्मशान वैराग्य जिसको कहते हैं ना, श्मशान वैराग्य समझते कि नहीं, श्मशान में जाकर जो वैराग्य हृदय में आता है, कहते इनके हृदय में केवल थोड़ी समय के लिए ये ऐश्वर्य भावना आ गई थी, तत्वतः मैया जनता का अंदर में जो ऐश्वर्य भावना थी। फिर जब कृष्ण ने देखा अगर मैया को अंदर में ये भावना आ गया मैं भगवान हूँ, फिर तो मेरे को जो प्यार करती है, दूध पिलाती, मखर पिलाती, भगवान तो थोड़ी बहुत प्यास लगती है, फिर जो बात्सल्य रस आस्वादन नहीं होगा। इतने में कृष्ण ने अपना वैष्णवी माया से मैया को उन्होंने मुक्त कर दिया, अपना वैष्णवी माया से एकदम मुक्त कर दिया ना। इतने में मैया के अंदर में तो जो अभी तक तो सोच रही थी ना वो कहीं खत्म हो गया। फिर कृष्ण को गोद में लेकर प्यार करने लग गई, ये मेरे लाला है, फिर स्तन पान कराने लग गई उसको, लाड प्यार फिर मैया ने उसको लाड प्यार फिर दोबारा उन्होंने करना शुरू कर दी। फिर मैया सोचती है अगर ये भगवान होता तो, लेकिन कृष्ण तो मेरे बगैर एक सेकंड भी रहना नहीं चाहते ना, बच्चों का स्वभाव क्या है, मैया को छोड़कर थोड़ी रहते हैं, हैं? मैया से मखन मिश्री मांगती है और मेरे अंदर में तो मेरे लाला मांग करके मैं इसको प्यार करते हूँ, ये तो मेरे बगैर मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो फिर ये भगवान कैसे हुए? फिर उनको जो वैष्णव माया उनको कवर कर दिया उनको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कहते नंद की अकरो तो ब्रह्मण, उसको बाद में बोलो किसका याद है, नंद की अकरो तो ब्रह्मण श्रेय एव महादय जसोदाचा महाभागा पप्पौ जस्वस्तनम हरि। यहाँ पर कहते नंद की अकरोत ब्रह्मण श्रेय एव महोदय, कहते भैया ये नंद बाबा ने ऐसे कौन सा श्रेष्ठ आचरण किया था, जीवन में ऐसे कौन सा श्रेष्ठ आचरण किया है, क्यों? कहते कृष्ण को नंद की अकरोत ब्रह्मण और मैया जसोदा ने ऐसे कौन सा उन्होंने पुण्य कर्म किया है जो कृष्ण स्तन, कृष्ण जिसकी स्तन पान करते हैं। यहाँ पर कहते विभिन्न, यहाँ पर कहते यज्ञ पुरुष रूप में उपनिषद उनको ब्रह्म रूप में कहता है, हैं? ऊपर सांख्य उसको पुरुषोत्तम रूप में ध्यान करता है, योग शास्त्र उसको परमात्मा रूप में, नारद पंचरात्र में भगवत रूप में महात्मा वर्णना करते हैं, लेकिन आज जो शास्त्र जिसको परम ब्रह्म परात्पर अलग अलग शास्त्र कहता है, वो जो परम ब्रह्म परात्पर तत्व आज किसका बेटा है, ये मैया दशरथ का लाला बन करके मैया की स्तन पान कर रहे हैं, है? मैया की स्तन पान कर रहे हैं। इसलिए और एक श्लोक बताए, श्रुति मित्रे स्मृति मित्रे भारत मन्य भव भीता अहम तु नंदम बंदे जस्सा लिंद परम ब्रह्म, कहते देखो भले ही है, इसलिए श्रुति स्मृति जिसको उपासना करते हैं, जिसको वंदना करते हैं, जिनको बड़े बड़े वेद जिसको वंदना करते हैं, बड़े बड़े ऋषि जिसको उपासना करते हैं, लेकिन देखो नंद बाबा ने ऐसे कौन सा पुण्य किया है, आज वही कृष्ण अपना गुठन पर है, गुठन पर चलते हुए कैसे ब्रज नंद बाबा की आंगन में कैसे कृष्ण खेल रहे हैं। इसलिए ये नंद बाबा ने ऐसे कौन सा पुण्य किया है, अनंत अकरत ब्रह्मण श्रेय एव महोदय, ऐसे कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया जो कृष्ण उनके बेटे बन करके आए और कृष्ण मैया जसोदा की स्तन पान करते, उन्होंने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया? तो यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, इनके पुण्य कर्म से कृष्ण उनके बेटा नहीं बने। फिर कौन सा, कैसे फिर कृष्ण इनके बेटे कैसे बन गए? हाँ देखो ये चीज को समझो, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण का ये नित्य लीला है, जैसे कृष्ण यहाँ पर मरते जगत में आते हैं, लेकिन हर समय कृष्ण कहाँ रहते हैं? अपना गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी लीला करते हैं, लेकिन वहां पर उनका माँ कौन है? बोले भैया जसोदा। बोले पिता कौन है? बोले नंद बाबा। इसलिए कृष्ण का ये नित्य ही जसोदा नंद इनकी पिता माता गोलोक वृंदावन में लीला करते हैं, हैं? फिर कभी यहाँ पर जब वो आते हैं लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं, कहते फिर यहाँ पर कहते इन्होंने ऐसे कौन सा पुण्य किया? बोले इन्होंने पुण्य नहीं किया, बोले किसी ने पुण्य किया? बोले द्रोण और धरा, ये दो व्यक्ति थे, द्रोण और एक धरा थे। धरा मतलब ये पृथ्वी, द्रोण मतलब एक द्रोणाचल पर्वत है। ये दोनों ने बड़ी कठोर उपासना पितामह ब्रह्मा जी को किया। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, बोले ब्रह्मा को, बोले हे प्रभु
जैसे एक बेटा स्वाभाविक रूप में माँ की गर्भ से जन्म लेता है, हम चाहते हैं कृष्ण मेरे गर्भ से जन्म हो। और जैसे एक माँ स्वाभाविक रूप में एक बच्चे को डांटती है, डपटती है, शासन करती है, कान मोल देती है, हाँ, उसको उठाती है, बैठाती है, अंगुल पकड़ा करके उसको ठुमुक ठुमुक करके चलाती है, हम चाहते हैं ये वात्सल रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण मेरे गर्भ से स्वाभाविक रूप में कृष्ण जन्म ग्रहण करें। इसलिए जब उन्होंने ये वरदान मांगी, इतने में कहते पितामह ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया, बोले ठीक है तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये फलीभूत होगा। इसलिए जब लेकिन नंद यशोदा नित्य भगवान की पिता माता नित्य है, इतने में जो द्रोण और धरा इन्होंने तपस्या की, जब ये आए इन दोनों ने क्या किया, नंद बाबा के अंदर में कभी ये द्रोणाचल पर्वत इनके अंदर में और मैया यशोदा में ये धरा इनके अंदर में प्रवेश कर गई। प्रवेश करते हुए जब नंद और यशोदा उन्होंने वात्सल रस का आस्वादन की, चूंकि इनके अंदर में प्रवेश करके आए, इन्होंने स्वाभाविक रूप में जब उन्होंने वात्सल रस के आस्वादन की, इनको भी ये वात्सल रस प्राप्त इनको भी हो गया। इसलिए इनका कोई पुण्य फल से कोई भगवान को बेटे रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए नंद यशोदा कोई पुण्य फल से नंद यशोदा कोई प्राप्त नहीं किया। इसलिए इन्होंने कोई इनके कोई पुण्य फल से इनको प राप्त नहीं हुआ है। ये नंद यशोदा भगवान की है नित्य, ये पिता माता की है नंद यशोदा की यशोदा है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने वात्सल रस को यहाँ पर वर्णन किया। फिर यहाँ पर आता है कैसे कृष्ण कहते एकदा गृह दासेषु हैं। इसलिए जब कृष्ण दूसरे घर घर में जब कृष्ण मक्खन चोरी चोरी करके खाते थे, अभी मैया यशोदा सोच रही है क्या मेरे घर की क्या मक्खन शायद खट्टा होता होगा और दूसरे दूसरे गोपियों के घर का जो मक्खन है शायद मीठा होता होगा, इसलिए मेरे लाला क्या करता है अपना घर की मक्खन को छोड़ करके दूसरे घर में मक्खन को ये चोरी चोरी करके शायद खाता है, शायद मेरे घर का शायद मक्खन खट्टा होता होगा। इसलिए मैया यशोदा ने ये सोच करके उन्होंने किया कि बोले मैं स्वयं अपना हाथों से दूध जमाऊंगी और स्वयं मैं मंथन करके मक्खन को निकालूंगी। लगता है मेरे घर में जो दासियां मेरे घर में काम करती है मक्खन निकालती है, शायद इनको मक्खन निकालना ठीक नहीं आती। आप लोग कोई मक्खन निकाले हो? कौन कौन मक्खन निकाले? जब ये दही को जमाती है ना, अगर दो तीन दिन रख करके अगर उससे अगर मक्खन निकालोगे वो मक्खन कटा होगा, लेकिन आज अगर अपने जमा करके दूसरे दिन अगर मक्खन निकालो तो मक्खन मीठा होता है, मीठा होता है। और आप लोग जैसे मक्खन निकालते ऐसे पहले नहीं होता था, पहले क्या मटकी होता था उसमें डाल कर रही होती थी और उसमें रस्सी लगा करके ऐसे 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 किसने किए हो कौन किए आप लोगों ने किए आप देखना जब ऐसे करती है ना उसमें थोड़ी थोड़ी ऊपर से झाँक मेरी भैया भी करती थी मेरी भैया करती थी इसलिए ऊपर से थोड़ी थोड़ी झाँक हो निकलती और झाँक निकलते 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 मक्खन होता था फिर उसको धीरे 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 निकालते धीरे धीरे वो जो मक्खन होता है ना ब्राउन मीठा होता है। एक दिन बाद में जब घर मक्खन हो तो मीठा होता है। और एक किसी घर में मक्खन जो बना घी बनाते थे ना कंडे के ऊपर रखते चूल्हा के ऊपर जब वो ये जो निकलता था ना उसका खुशबू से पूरा गाँव पूरा खुशबू खुशबू हो जाता था, पता लगता था किसके घर में घी बन रहा है किसी घर में घी बन रहा है। वो घी जब बनता है जब मेरे भैया का मैंने देखा करती थी वो घी का रंग एकदम पीला रंग होता था है वो घी और वो घी से कोई भी चीज वो घी से बनाओ ना वो बड़ा टेस्ट होता है वो घी बड़ी टेस्ट होता है घी है। इसलिए मैया ने सोचा लगता है ये जो गोपियां जो बनाती है क्या इनको ठीक से बना नहीं आती इसलिए मेरे घर का मक्खन खट्टा होता है। इसलिए मैं स्वयं अपना हाथों से मैं जमा करके स्वयं मंथन करके अगर मैं मक्खन निकालूं क्या होगा फिर मक्खन मीठा बनेगा मेरे लाला जो दूसरे घर में चोरी चोरी कर खाता है फिर कृष्ण चोरी नहीं करेगा। इसलिए मैया ये सोच करके बोले मैं स्वयं बनाऊंगी और जितने सखिया काम करते जा तो अपना मन कर लिया आज मैं स्वयं घर बनाऊ। इसलिए मैया कैसे बनाती है फिर कल हम कथा सुनेंगे ठीक है। अच्छा कृपा।
जो सामने कथा होती है ना, इस अनुपम पूरा फोन आ रहा है, शायद कोई इमरजेंसी है, दो बार आ गया आया।